सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकवुड। तो मैं अमन दीवान अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो खास होने वाली है और साथ साथ आज की वीडियो थोड़ी न्यूज़ टाइप की होने वाली है, टेक न्यूज़ टाइप की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी पहली न्यूज़। तो हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है चाइना में हो रहा है शोकेस, चार्जिंग शोकेस टाइप का एक इवेंट। तो वहाँ पर बेसिकली अपने अपनी कंपनियां अपनी अपनी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग को शो कर रही हैं। तो IQ ने अपने 120 वॉट चार्जिंग को, यानी 120 वॉट चार्जिंग को शो किया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने दिखाया कि आपकी जो 4000 mAh की बैटरी है वो ये मिनिमम 15 मिनट में चार्ज कर देता है फुल बैटरी। और ऐसे ही ओप्पो का जो 125 वॉट का चार्जर है वो आपकी जो 40% या 41% जो बैटरी चार्ज करता है वो कर देता है विद इन 5 मिनट। तो 5 मिनट के अंदर ही वो आपकी जो 50% थोड़ा और स्लाइटली आप समझ लीजिए 8-10 मिनट तक वो पूरी आपकी 50 से ऊपर की बैटरी चार्ज कर देता है ओप्पो का 120 वॉट का फास्ट चार्जर। तो ये है फास्ट चार्जर का फ्यूचर और आने वाले काफ़ी दिनों में हमें एटलीस्ट 65 और 60 वॉट का चार्जर तो हमें फ्लैगशिप फ़ोन में दिखने ही लगेंगे, जो कि अभी से आने लगे हैं, जैसे ओप्पो रेनो 4 एंड IQ 3 जो हुआ और X50 Pro इस सब में दिख रहे हैं। लेकिन और भी इससे फास्ट चार्जिंग जैसे 80 वॉट 90 वॉट ये सब हमें देखने को मिल सकते हैं फ्लैगशिप फोन्स में। और साथ साथ जो स्मार्टफोन जो बजट रेंज के हैं इसमें आपको 30-40 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, जो कि है रियलमी V5। तो ये कन्फर्म हो गया है कि ये आता है, जो सीरीज़ है रियलमी V5 सीरीज, जो 5G सीरीज़ है वो आता है डायमेंसिटी के 720 प्रोसेसर पर। तो ये 5G प्रोसेसर है और इसकी जो प्राइस वो लीक हो चुकी है चाइना में, जो आता है 1699 युआन में, यानी जो हम चेंज करते हैं अगर इंडिया की प्राइस में जो कि रुपीज़ है तो उसमें चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 17-18 हज़ार की प्राइस की। तो ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये इंडिया में आएगा तो ये अंडर 20,000 यानी 20,000 के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। हमें 20,000 के अंदर एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे न्यूज़ की ओर, जो कि है आस्क माधव वीडियो, जो आस्क माधव करते हैं अपने माधव सेठ जो करते हैं अपनी रियलमी पे ट्विटर अकाउंट पर या अनदर जगह पे अपना आस्क माधव करके एक वीडियो बनाते हैं। तो उसमें आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या वो लाने वाले हैं या कुछ टीज कर देते हैं। तो उन्होंने कन्फर्म किया है कि उनका 5G स्मार्टफोन आ रहा है जल्द ही। तो वो हो सकता है, मे बी हो सकता है रियलमी 7 सीरीज़ या फिर रियलमी V5 सीरीज़ जो चाइना में लॉन्च होने वाली है वही आपकी लॉन्च हो जाए इंडिया में भी अगस्त के महीने में शायद, मे बी। लेकिन इसको सितंबर में भी रखा जा सकता है क्योंकि सितंबर मैंने बताया आपको सबसे बड़ा जो महीना होता है स्मार्टफोन लॉन्चेस का, तो ये हो सकता है सितंबर में लॉन्च हो जाए स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से। और साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ कंफर्म की कि अगस्त में ही उनका रियलमी का क्यूब वायरलेस जो रियलमी बड्स 3 है वो लॉन्च हो जाएगा इंडिया में अगस्त के महीने में ही। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो सी सीरीज़ है उसको काफ़ी एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी वो और भी सी सीरीज़ के स्मार्टफोन लाएंगे जैसे कि C11 और तो ला ही गए और C12 एंड C15 की रूमर्स चल ही रहे हैं। तो ये सब स्मार्टफोन आने वाले हैं इंडिया में। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर, जो कि है MI ने टाइप किया हुआ है डिज्नी का प्लस, जो डिज्नी प्लस हॉट स्टार है उसके साथ टाइप कर लिया है। तो जैसा कि आने वाले जो डिज्नी के स्मार्टफोन जो वीडियोस हैं जो स्ट्रीमिंग जो वीडियोस एंड मूवीज़ वो डालेंगे नेट पे, तो वो चीज़ आप लोग यानी अगर आप लोग MI TV यूज़र हैं तो आप लोग उसको 2 घंटे पहले स्ट्रीम कर सकते हैं। उससे जैसे कि आपका प्रीमियर 2 बजे होता है तो आप 12 बजे ही प्रीमियर कर सकते हैं अपने MI TV पर। ये चीज़ उनमें खासियत आ गई है MI TV पर। तो अगली न्यूज़ है, जैसा कि आप लोगों ने रियलमी का सुना है कि 5G स्मार्टफोन लाने ही वाला है, तो एक कंफर्मेशन रेडमी की ओर से भी आ गई है कि 5G स्मार्टफोन चीपेस्ट बजट रेंज में एक स्मार्टफोन आने वाला है।
जो कि कंफर्म हो गया है, बट उसका भी नाम एंड कुछ भी आया नहीं है, बट इतना कंफर्म हो गया है कि एक स्मार्टफोन बजट रेंज में रेडमी का आने ही वाला है। और ये भी बेसिकली डायमेंसिटी के ही प्रोसेसर पे होगा, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन का 5G स्मार्टफोन प्रोसेसर है वो है 765G से स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी हाई एंड, मतलब जो काफ़ी महंगा प्रोसेसर है, इसलिए ये इस पर नहीं आ सकता है। तो अगर 20,000 के अंदर ही लाना है, बजट रेंज में ही लाना है, तो इनको डायमेंसिटी के ही प्रोसेसर यानी 720 पर ही लाना पड़ेगा इसको भी। तो अगला एक और कंफर्मेशन है जो कि कंफर्म हो गया है लॉन्च के लिए, तो ये कंफर्मेशन है गूगल की ओर से गूगल पिक्सल 4a के लिए। तो 4a जो है गूगल पिक्सल का, ये लॉन्च हो जा रहा है 3 अगस्त को। तो दो आज छोड़ के, कल छोड़ के यानी परसों आपको देखने को मिल जाएगा गूगल 4a, जो कि गूगल पिक्सल 4a आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी हर जगह जहाँ पे ये लॉन्च करेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इसकी प्राइस और इसकी खासियत, तो आप देख ही सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उस दिन आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को भी ऑल पे टिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।